हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्वीन संगीता। कैसे हो आप लोग? आप लोगों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, आज है निर्जला एकादशी और मैंने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है। सुबह ही 5:30 बजे आज उठी थी, मतलब उठी थी 4:30 बजे, मतलब हस्बैंड को नाश्ता दे दी बना करके, वो ड्यूटी चले गए हैं 6:30 बजे तक, और मैं उनको नाश्ता दे करके फिर मैं स्नान कर ली थी, मतलब नहा ली थी, और फिर बस लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया अमृत किसे, और मैं पूजा पाठ कर ली हूँ अच्छे से, सब कुछ हो चुका है। डेली ही पूजा करती हूँ लेकिन आज कुछ ज़्यादा जल्दी कर ली क्योंकि ऐसा माना गया है निर्जला एकादशी के दिन सुबह ही नहा लेना चाहिए, इसी वजह से मैं जल्दी स्नान कर ली हूँ। और देखिए मेरा बेटा भी उठ गया, तो देख सकते हैं इसको भी मैं नहला दी थी, सभी बड़ा वाला बेटा को भी नहला, मतलब बोली हूँ कि नहा लो, बड़ा वाला बेटा गया है अभी नहाने के लिए, और आज सभी को बोल रही हूँ नहा लो, सुबह ही बच्चे लोग को भी बोल रही हूँ, क्योंकि भले ये लोग पूजा पाठ ना करें लेकिन बच्चे हैं, इन लोग को भी जैसे माँ बाप सिखाएंगे वैसे ही ना सीखेंगे, इसी वजह से मैं इस लोग को अभी नहला दे रही हूँ। अभी तो स्कूल छुट्टी चल रहा है और ला ही रहूँगी, मतलब आज पूरा दिन और पूरा रात मैं व्रत में रहूँगी, कल सुबह इतना टाइम में मैं व्रत खोलूँगी। तो देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, घड़ी देख सकते हैं तो अभी 9 बजने वाली है फ्रेंड, और बस मैं बैठी हुई हूँ, भक्ति का भजन लगा दी हूँ, सुन रही हूँ और अपना अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि दूध वाले अंकल आए थे, दूध दे दिए हैं, और बस अभी मैं खाना नहीं बनाई हूँ, बच्चे लोग के लिए नाश्ता मैं सुबह जो हस्बैंड के लिए बनाई थी वही रख दी, और रोटी बनाई थी और सब्जी, तो ये लोग रोटी सब्जी तो नहीं खाते हैं, मिठाई है, रोटी मिठाई खा लेंगे, तो बच्चे हैं कुछ भी खा लेते हैं मेरे, तो ऐसा नहीं है रोल बना कर इनको दे देती हूँ तो ये खा लेते हैं, और बस देख सकते हैं अभी बॉल लेकर के ये खेल रहा है, देखिए तभी से इसका खेल चालू है, अभी ऐसे ही करता है, सुबह ही उठ जाता है। तो फ्रेंड, हमारे घर में 2 लल्ला हैं अभी, क्योंकि एक छोटा सा लल्ला भी हमारे घर आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्या बताऊँ कि मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मुझे और एक लड्डू गोपाल जी का सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो ये मतलब मैं नहीं ली हूँ लेकिन मेरे जो हस्बैंड के साथ जॉब करते हैं वो भैया ने अभी दिया हुआ है, थोड़े दिन के लिए वो लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, तो मैं मतलब मुझे दे दिया है कि चलो इनके पास है तो इनके मेरा वाला भी रहे और सेवा हो, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस टाइम में एकादशी के टाइम में मेरे पास और एक लल्ला आए हैं, लड्डू जी आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश है, वही लेकर आए हैं, और पता नहीं अभी कब तक मुझे इस तरह का मौका मिलता रहेगा, और मैं चाहती हूँ मुझे ये ज़िंदगी भर मिले, बस मैं अभी सेवा इसी तरह करती रहूँ, जितना मेरे से हो पाता मैं करती हूँ, और मैं बहुत अच्छा लग रहा, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 2 मेरे बेटे भी हैं, 2 भी मेरे बच्चे हैं, और छोटे छोटे हैं, एकदम नहलाने में भोग लगाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस फ्रेंड, अभी मैं खाना वाना नहीं बनाई हूँ, बनाऊँगी और देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ, बच्चे लोग के लिए ही कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड भी आज पूरा दिन नहीं आएंगे, बाहर में ही रहेंगे क्योंकि उनका आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम है, ड्यूटी गए हैं, तो कुछ हल्का फुल्का ही बना दूँगी, देखती हूँ कुछ। आज एकादशी के दिन बोला गया है कि चावल नहीं बनाना चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ रोटी बनाऊँगी, तो दोपहर में मैं लंच के टाइम में रोटी बना दूँगी, लोग को रोटी सब्जी ये लोग खाएँगे, या और कुछ बना दूँगी जो बच्चे को पसंद हो वो बना दूँगी। तो फ्रेंड, मेरा गला पूरा ख़राब हो चुका है, इसी वजह से मैं थोड़ा आवाज़ आप लोगों को ख़राब आ रहा होगा, तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं अभी ठंडा पानी पी लेती हूँ कभी कभी ना, इसी वजह से ऐसा हो जाता है। और ठीक है फ्रेंड, हमारी ब्लॉग से आप लोग जुड़े रहिए और देखते जाइए कैसे होता है, तो मैं पूजा पाठ का पूरा ब्लॉग तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, थोड़ा बहुत ही जितना कर सकी मैं कर दी हूँ, और मैं प्रॉपर तरीके से नहीं की हूँ, मैं फिर कभी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी अच्छे से कैसे मैं करती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, जुड़ रही है हमारे ब्लॉग से। विष्णु को तो किस लेकर बैठे
गाइज अभी शाम का टाइम हो रहा है और बच्चे बोल रहे थे कि मुझे दूध दो, तो मैं सोची कि चलो अभी दूध के जगह मैं इन लोगों को मैंगो का शेक बना कर दे देती हूँ। तो आम भी पड़ा हुआ था, पक गए थे आम, तो बस मैं दे रही हूँ। और मैं दोपहर में खाना पीना देने के बाद बच्चों को थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए चल गई थी, थोड़ा आँख लग गया था मेरा। और बस यहाँ पर देखिए मैं मैंगो का शेक बना रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये रसीला आम था, तो बच्चों के लिए भी बना रही हूँ और लल्ला के लिए भी दे दूँगी, क्योंकि आज एकादशी के दिन में मतलब अन्न का भोग मतलब लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाते हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर देखिए फ्रूट और बस ये शेक शाम के टाइम में मैं दूध देती हूँ। तो बोली चलो बच्चों के साथ साथ लल्ला को भी दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा कितना अच्छा शेक बन चुका है, मैंगो शेक बहुत ही यम्मी लगता है और बच्चे लोग भी मेरे बहुत अच्छे से पी लेते हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चे को गर्मियों में ये ज़रूर दे, बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए और थोड़ा सा अच्छा से पी लेते हैं बच्चे लोग, और मेरे बच्चे तो पी लेते हैं। और देखिए इसमें मैं इलायची डाल दी हूँ, तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं और भी बहुत सारे काजू जू भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ। तो फ्रेंड बस यहाँ पर देखिए मैं लल्ला को भोग लगा दी हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार दिल से राधे राधे बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।